हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का जब सिर नीचे आ जाता है तो कम से कम दर्द में, कम से कम पुश में आपका बच्चा बाहर आ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहला पड़ाव बच्चे की तरफ से कंप्लीट किया जाता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चा 8वें महीने के मिड में अपना सिर आपकी श्रेणी में, यानी कि माँ की श्रेणी में फिक्स कर लेता है, जिसके बाद नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस आगे बढ़ता है। बच्चे ने सिर नीचे नहीं किया है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इस कंडीशन में आपके बच्चे को ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला जाता है। तो आप ऐसा क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा सही समय पर सही पोजीशन ले ले? जी हाँ फ्रेंड्स, डिलीवरी डेट से कुछ टिप्स अगर माँ के द्वारा फॉलो किए जाएं, कुछ रूल्स अगर फॉलो किए जाएं, तो आपका बच्चा सही समय पर हेड डाउन कर सकता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल में हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने आप को, अपने मेंटल लेवल को, अपने फिजिक्स को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर दें। जो महिलाएं मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं रहती हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। काफी केसेस में देखा गया है सी सेक्शन डिलीवरी उन्हीं महिलाओं की होती है जो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहती हैं। बच्चा आपका सिर नीचे कर चुका है तो मेंटली अपने आप को रेडी कर लीजिए, दर्द से ना घबराइए, नॉर्मल डिलीवरी एकदम सेफ और सुरक्षित होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा हेड डाउन नहीं किया है या करने के बाद फिर से टेढ़ा हो गया, तो आपको क्या करना है? टिप नंबर वन, आपको खूब सारा पानी पीना है। जी हाँ फ्रेंड्स, खूब सारा पानी पीना है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि AFI लेवल, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड लेवल का कम होने के कारण बच्चा सही समय पर नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन नहीं ले पाता है। अगर आपके गर्भ में भी पानी की कमी है, या आपको बहुत ज्यादा चक्कर, या मुंह आपका बहुत ज्यादा सूखता है, तो इट मीन्स आप डिहाइड्रेटेड फील कर रही हैं, जिसका असर AFI लेवल पर भी पड़ता है। तो खूब सारा पानी पीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलती है नॉर्मल डिलीवरी में। टिप नंबर टू, सिर्फ और सिर्फ आप इंडियन टॉयलेट का इस दौरान यूज करें। इंडियन टॉयलेट का यूज करते समय आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा प्रेशर आपको ना लगाएं, क्योंकि बच्चा फुल टर्म हो चुका है, ज्यादा प्रेशर लगाने से आपको समस्या आ सकती है। इंडियन टॉयलेट का यूज करने से एक तो बच्चे पर प्रेशर आता है, ठीक है, और बच्चे को ग्रेविटेशनल फोर्स भी मिलता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको वॉकिंग जरूर करनी है। वॉकिंग करने के बहुत से फायदे होते हैं। आपके पैल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से जाता है और पैल्विक रीजन फ्लेक्सिबल होता है। जब पैल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका पैल्विक रीजन फ्लेक्सिबल जल्द से जल्द होता है। और वॉकिंग करने से माँ की तरफ से बच्चे को ग्रेविटेशन फोर्स मिलता है, जिससे बच्चे का शरीर का सबसे भारी अंग तैर कर नीचे की ओर आता है। तो वॉकिंग मस्ट है, वॉकिंग आपको जरूर करना है। स्टेयर्स जरूर चढ़ें। स्टेयर्स चढ़ते समय ध्यान रखना है, ज्यादा फास्टली नहीं चढ़ना है। आपको एक स्टेयर्स ऊपर जाना है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इससे आपका पैल्विक रीजन फैलता है, यानी कि अगर आप ऐसे ऐसे चढ़ते हैं, एक स्टेयर्स ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो आपके पैल्विक रीजन की मसल स्मूथ होती है, बच्चा प्रॉपर तरीके से नीचे को आता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी महिलाओं को सहायता मिलती है। इस टिप को भी आपको फॉलो करना है। कीगल एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो स्विमिंग भी आप जरूर करिए, इससे भी आपके बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप तैयार कर सकती हैं। तो इन टिप्स को आपको फॉलो करना है। गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट आपको बैठना है, अपने पैल्विक रीजन को सेकना है। हल्दी दूध, केसर दूध का सेवन आप कर सकती हैं। इनकी तासीर गर्म होती है, जो कि बच्चेदानी के मुंह को डायलट करने में भी आपको सपोर्ट करती है, नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको हेल्प करती है। पानी खूब सारा पीजिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको ना हो। काफी बार देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या महिलाओं में रहती है और इसी कारण बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता है। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना होने दे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, टेंशन फ्री रहिए, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।